ऑफ स्टार्ट सीखते हैं। मैं दोस्तों आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि स्टार्ट मिस होता क्या है, शुरू करना होता है। क्या होता है, अब मैं दोस्तों को समझिए हमें कहा जा रहा है। स्टार्ट मिस क्या होता है, शुरू करना। पे एक पॉइंट सबसे पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यूज ऑफ मीन्स ओनली यूज, यूज मिस होता है सिर्फ, यूज का मतलब होता है यहाँ पर प्रयोग होता है। क्या होता है, प्रयोग होता है। यूज मिस क्या हो जाएगा, प्रयोग होता है। क्या होता है यूज मिस, प्रयोग होता है। ऑफ जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑफ मिस होता है का की के। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, फिर भी मेरा काम है आप लोगों को याद दिलाना, बताना। और आप मिस का की के, और मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार आप लोगों को याद दिला देते हैं। स्टार्ट मिस होता है शुरू करना, शुरू करना होता है। स्टार्ट मिस क्या होता है, शुरू करना। शुरू करना क्या होता है, जैसे कोई काम होता है शुरू भी किया जाए वो काम निरंतर चलता भी रहे, उस अवस्था में किसका प्रयोग करते हैं, स्टार्ट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, स्टार्ट का प्रयोग करते हैं। यूज ऑफ मिस, यूज मिस प्रयोग, आप मिस काकी के। और आप लोग पहले से भी जानते हैं इसमें, भली बात फिर से मैं याद दिला दे रहा हूँ, स्टार्ट मिस होता है शुरू करना। शुरू करना क्या होता है, यदि हम किसी काम को चालू करते हैं तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, स्टार्ट का प्रयोग करते हैं। चलो इसके बाद इसका आईडी बनाने का नंबर आता है, आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी मीन्स होता है पहचान होता है। क्या होता है, आइडेंटिटी या आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है भाई, पहचान होता है, जो कि आप लोगों को बताया गया है। अगर नहीं बताया गया है फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। आइडेंटिटी या इसको पहचान लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं भाई, पहचान। इसका क्या हमें पूरा मीनिंग्स लिखना है आइडेंटिटी का, तो मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है भाई, आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है, पहचान होता है। शॉर्टकट में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। चलो इसकी पहचान कर लेते हैं। अब दोस्तों आपको याद होगा कि जैसे आप हिंदी में बताते हो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या बताते हो, हिंदी में, उसी तरीके से अगर हमें उसी शब्द को इंग्लिश में बताना है तो हम लोग इंग्लिश में कैसे बताएंगे उसकी जानकारी कर लेते हैं। जैसे हम किसी शब्द को बोलते हैं हिंदी में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, तो हम लोग अंग्रेजी का ग्रामर सीख रहे हैं तो उसके लिए हमें अंग्रेजी आना जरूरी है। चलो देखते हैं, इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस कम, इसका मतलब होता है भाई, इन इसका एक एक शब्द का हिंदी अर्थ चलो सब लोग समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इन मिस होता है में, द पे एक आर्टिकल्स होता है, इसका मतलब निश्चित, यहाँ पर निश्चितता पाई जा रही है, निश्चित बातें पाई जा रही है, इसलिए हमें इसे दीना बोलकर हम लोग क्या बोलेंगे, दा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर निश्चित बातें हो रही है। लास्ट मिस होता है अंत, ऑफ मिस होता है जैसे कि आप लोग जान रहे हैं काकी के होता है। हिंदी मिस होता है हिंदी सेंटेंस मिस होता है वाक्य, कम मिस होता है या नहीं, यानी कि इसका कहने का मतलब होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, क्या हो जाएगा इसका मतलब, जिस हिंदी वाक्य के अंत में। चलो हम एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला देते हैं, इन द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस कम, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगा भाई, शुरू करना। इट इज ऑल्सो आइडेंटिफिकेशन एंड दिस इज द हिंदी एंड ऑल्सो इट इज आइडेंटिफिकेशन, कहने का मतलब वो हिंदी में, यही इसका हिंदी मतलब भी होता है, यही इसकी पहचान भी होती है। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं, यही इसका हिंदी मतलब भी होता है, यही इसकी क्या होती है, पहचान भी होती है, दोनों यही चीज़ होते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद इसका सूत्र जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन मीन्स भाई, आपको जिसको नहीं पता है इसका मतलब होता है संरचना या सूत्र होता है। क्या होता है इसका मतलब भाई, संरचना या तो सूत्र होता है, इसका दो चीज़ें मतलब होता है। क्या मतलब होता है, संरचना या सूत्र होता है। कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, संरचना या तो सूत्र होता है। क्या होता है इसका मतलब, सूत्र या तो, फिर से समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या होगा, सूत्र या तो संरचना होता है। कंस्ट्रक्शन मीन्स होता है सूत्र या तो संरचना, दो चीज़ें होती है हमारी। क्या क्या चीज़ें होती हैं, सूत्र भी इसको बोल सकते हैं, संरचना भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट।
आप लोग जानते हैं स्टार्ट मतलब क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ फिर बता रहा हूँ। स्टार्ट मीन्स क्या होता है, शुरू करना होता है। क्या चीज़ होता है स्टार्ट मतलब, शुरू करना सिर्फ होता है। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, वर्ब आप लोग जानते हैं वर्ब मीन्स क्या होता है, अगर नहीं जानकारी मैं जानकारी आपको दिला दे रहा हूँ। वर्ब मीन्स होता है क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट की मदद करता है कार्य करने में, जो सब्जेक्ट की मदद करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो क्रिया की यहाँ चौथी अवस्था लगाई जाएगी। कौन सी अवस्था लगाई जाएगी भाई, चौथी अवस्था। चौथी अवस्था कौन सी होती है, एक वर्ब कितने फॉर्म होते हैं, चार फॉर्म होते हैं, इसको हम आगे क्लास में बात करेंगे, फिलहाल मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म जो होता है उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया जाता है, आई एन जी फॉर्म होता है वो। फोर्थ फॉर्म जो होता है वह कौन सा फॉर्म होता है, आई एन जी फॉर्म होता है। चलो इसका आई एन जी लगा लेते हम लोग। अब बात आती है यहाँ पर आई एन जी क्यों लगाया गया, इसको भी हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, याद दिला दे रहे हैं। आई एन जी इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि इसमें काम जो है शुरू करना भी पाया जा रहा है और उसके बाद निरंतर काम को किया जा रहा है, यानी निरंतर चल रहा है कोई काम, इसलिए यहाँ पर वर्ब का सब फॉर्म लगा रहे हैं। बोलो वर्ब का आई एन जी फॉर्म लगा रहे हैं, कौन सा फॉर्म लगा रहे हैं, आई एन जी फॉर्म लगा रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या आप लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, जिसको नहीं पता है नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म होता है। स्टार्ट मीन्स पहले ही बता, वर्ब मीन्स क्या होता है भाई, क्रिया होता है। वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया होता है। चलो अब एक छोटा सा एग्जांपल जान लेते हैं। बात करना शुरू करो, बात करना शुरू करो, क्या है भाई, बात करना शुरू करो, ये मेरा क्या है, एग्जांपल्स है। चलो स्टार्ट कौन सा फॉर्म लगाएंगे भाई हम लोग, आईएनजी लगाएंगे। बात करना शुरू करो, स्टार्ट मीन्स क्या होता है, शुरू करना। टाग मीन्स क्या होता है, बात करना। और कौन सा फॉर्म लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। क्या हो जाएगी, स्टार्ट टॉकिंग, क्या हो जाएगी, स्टार्ट टॉकिंग। ये क्या हो गया आपका, ये सेंटेंस हो गया, बात करना शुरू करो, स्टार्ट टॉकिंग। स्टार्ट मीन्स क्या होता है, शुरू करना होता है। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसे थोड़ा रोक दो, सेव मत करना, ठीक है। चलो आप लोगों को हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, हमें आशा है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ध्यान दीजिए, पहला अंग्रेजी बोलना शुरू करो, दूसरा दौड़ना शुरू करो, तीसरा देखना शुरू करो, चौथा मैच खेलना शुरू करो, पांचवा मेला देखना शुरू करो। इस वाक्य को नोट करने के बाद में आप लोग करिए, कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए।